हेलो गाइस, मेरा नाम है ध्रुव खत्री और आप देख रहे हैं टैकरिस। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने मोबाइल की मदद से अपने एंड्रॉयड टीवी पे ब्लूटूथ गेम पैड को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने टीवी में कोई भी गेम को खेल सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा वन प्लस वाई सीरीज 43 इंचज टीवी को यूज़ कर रहा हूँ, मगर आप अपना कोई भी एंड्रॉयड टीवी में इस टेक्निक को यूज़ करके अपने गेम को खेल सकते हैं। तो चलिए हमारी ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने टीवी में और मोबाइल में गेम्स खेलने के लिए थोड़ी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने होंगे, जो कि हमें प्ले स्टोर से करना है। हमें हमारे टीवी में प्ले स्टोर को ओपन करना है और उसके सर्च बटन में टाइप करना है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर टाइप करते ही हमें FX फाइल मैनेजर दिखेगा, जो हमें इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हमें सर्च करना है सेंड फाइल्स टू टीवी। सेंड फाइल्स टू टीवी सर्च करते ही हमें सेंड फाइल्स टू टीवी की एप्लीकेशन मिलेगी, जो कि हमें इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हमें जो भी गेम को खेलना है उस गेम को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बॉम्ब स्क्वाड का गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, तो मैं बॉम्ब स्क्वाड को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये सब कुछ हो जाने के बाद हमें हमारे फ़ोन में एप्लीकेशन को इंस्टॉल करनी होगी, तो मैं आपको अभी फ़ोन में इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद हमें हमारे फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है और उसके सर्च बटन में टाइप करना है ब्लूटूथ गेम पैड। ब्लूटूथ गेम पैड टाइप करते ही हमें BT कंट्रोलर नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी, जो हमें इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हमें टाइप करना है सेंड फाइल्स टू टीवी। सेंड फाइल्स टू टीवी टाइप करते ही हमने जो टीवी में इंस्टॉल की थी वो एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जो हमें इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हमें टाइप करना है APK एक्सट्रैक्टर। APK एक्सट्रैक्टर टाइप करते ही हमें पहली एप्लीकेशन मिल जाएगी APK एक्सट्रैक्टर की, जो हमें इंस्टॉल करनी है। मैं ये सारे एप्लीकेशन के डायरेक्ट प्ले स्टोर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हमने हमारे मोबाइल में जो BT कंट्रोलर की एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया था उसे .APK फाइल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए APK एक्सट्रैक्टर को ओपन करना है। यहाँ पर आपको आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सारी एप्लीकेशन शो करने लगेगी। वहाँ पर आपको BT कंट्रोलर को फाइंड करना है, वो मिल जाए तब उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करते ही आपके पास परमिशन मांगेगी, उसमें आपको अलाउ कर देना है। ऐसा करते ही आपके मोबाइल में BT कंट्रोलर की APK फाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद हमें हमारे टीवी के एप्लीकेशंस में जाना है और सेंड फाइल्स टू टीवी के एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसे ओपन करते ही हमें नेक्स्ट नेक्स्ट देना है और जो भी परमिशन मांगे उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद हमें रिसीव के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद अगर कोई भी पॉपअप आए तो उसे ओके दे देना है और डोनेट की स्क्रीन आए तो उसे बैक कर देना है। ऐसा करते ही आप रिसीविंग फाइल्स की स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको आपके मोबाइल में सेंड फाइल्स टू टीवी के एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेंड के बटन पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्टेड APKs के फोल्डर पर क्लिक करना है। ये फोल्डर पर क्लिक करते ही आपको आपकी BT कंट्रोलर की .APK फाइल मिल जाएगी, तो उस फाइल पर क्लिक करना है। इस फाइल पर क्लिक करते ही आपको सारे डिवाइसेस शो करने लगेंगे, उसमें से आपके टीवी का जो नेम है उस पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके ये फाइल आपके मोबाइल में से आपके टीवी में सेंड हो जाएगी। उसके बाद फिर से हमारे टीवी के एप्लीकेशंस में जाना है और उसमें FX फाइल मैनेजर को ओपन करना है। उसे ओपन करते ही लाइसेंस एग्रीमेंट दिखेगा, उस पर एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी परमिशन मांगे उसे अलाउ कर देना है और जो भी पॉपअप आए उसे ओके कर देना है। उसे ओके करते ही हमें डाउनलोड्स में जाना है। डाउनलोड्स में जाकर BT कंट्रोलर पर क्लिक करना है। ये कंट्रोलर को हमें इंस्टॉल करना है। उसके लिए पहली बार सेटिंग्स पर क्लिक करना है और अननोन ऐप्स को इंस्टॉल करने की परमिशन देनी है FX फाइल मैनेजर को। उसके बाद हमें फिर से BT कंट्रोलर पर क्लिक करना होगा और उसे इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। अब ये इंस्टॉल हो जाए तब तक हमें वेट करना होगा।
और इंस्टॉल होने के बाद हमें ये डन के बटन पर क्लिक करना है और सारा कुछ बैक कर देना है। उसके बाद हमें सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाकर हमें ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाकर सिस्टम ऐप्स में जाना है। ऑल ऐप्स के अंदर हमें सिस्टम ऐप्स मिलेगी। सिस्टम ऐप्स के अंदर हमें बीटी कंट्रोलर को फाइंड करना है। बीटी कंट्रोलर हमें मिल जाए तब हमें उसे ओपन करना है। उसे ओपन करते ही हमें क्रिएट अ होस्ट पर क्लिक करना है और स्टेप वन पर क्लिक करना है। स्टेप वन पर क्लिक करते ही मैनेज कीबोर्ड्स पर क्लिक करना है और बीटी कंट्रोलर्स के ट्रिगर को ऑन करना है। उसके लिए हमें ओके के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें स्टेप टू पर क्लिक करना है और बीटी कंट्रोलर पर क्लिक करना है। उसके बाद वाईफाई का बटन जो मिलेगा उस पर क्लिक करना है और सब कुछ ओके ओके दे देना है। उसके बाद जो ब्लूटूथ का बटन मिलेगा उस पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें ओके भी कर सकते हैं या नेवर भी दबा सकते हैं। उसके बाद आपको आपके मोबाइल में बीटी कंट्रोलर के एप्लीकेशन को ओपन करना है और उसमें प्लस के बटन पर क्लिक करना है। उससे पहले ब्लूटूथ के बटन पर क्लिक करना है और अलाउ लोकेशन के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी परमिशन मांगे उसे अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको आपका टीवी का नेम शो करने लगेगा। आपका जो भी टीवी का नेम है उस पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपका आपके मोबाइल में आपका गेम पैड दिख जाएगा जिसके मदद से आप गेम प्ले कर सकते हो अपने टीवी में। ऐसा करते ही हमें हमारे टीवी में गेम खेलने के लिए हमारा सारा सेटअप ख़त्म हो जाता है। तो अब हम फाइनली हमारे गेम को प्ले करते हैं। उसके लिए सब कुछ बैक करना होगा और उसके बाद हमें जो भी गेम को खेलनी है वो गेम को ओपन करना होगा। उसके लिए हमें हमारे टीवी में ऐप्स में जाना है और जो भी गेम खेलनी है उसे ओपन करना है। मैं यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड ओपन कर रहा हूँ। बॉम्ब स्क्वाड ओपन हो तब तक हमें वेट करना होगा। यहाँ पर गेम के ओपन होने के लिए यानी कि ओपन करने के लिए हमें रिमोट की भी ज़रूरत होगी और गेम प्ले के लिए हमें गेम पैड की ज़रूरत होगी। शुरुआत में हमें रिमोट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड ओपन हो रही है और आप देख सकते हैं कि बॉम्ब स्क्वाड ओपन हो गई है। अब मैं इसे प्ले के बटन पर क्लिक करता हूँ और उसे प्ले करता हूँ। पर उससे पहले हम गेम पैड की मदद से चेक करते हैं कि शुरू हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि गेम पैड से शुरू होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी तक हमारा रिमोट ही इसमें कंट्रोल के लिए सेट है। तो आप देख सकते हो कि मैं रिमोट से अभी प्ले कर रहा हूँ और रिमोट से ये हमें ओपन करने के बाद हम गेम पैड की मदद से चेक करते हैं कि शुरू हुआ या नहीं। तो आप देख सकते हो कि गेम पैड की मदद से अब हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम गेम प्ले करके देखते हैं कि ये लेग हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है और लेग जरा भी नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम हमारे मोबाइल की मदद से हमारे एंड्रॉयड टीवी में कोई भी गेम को प्ले कर सकते हैं हमारे पास गेम पैड ना हो फिर भी। इस सेटअप में ज़रूरी सारे एप्लीकेशन के डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ही वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा प्रॉब्लम था कि उनको सेल के टाइम पर ये टीवी का प्रोडक्ट पेज अमेज़ोन पर नहीं दिख रहा होता, तो उनके लिए मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टीवी के प्रोडक्ट पेज के डायरेक्ट लिंक पेस्ट कर दूंगा जिस पर क्लिक करके आप सबसे पहले सेल के दौरान इस टीवी को परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गेम पैड की मदद से अपने टीवी में कोई भी गेम को खेल सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पबजी के लिए भी सेटअप का वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पबजी का सेटअप कुछ अलग है, ये गेम पैड की मदद से नहीं हो पाता। तो आप अगर पबजी का वीडियो भी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरी चैनल टेक एरिस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैंने 43 इंचीज़ का सारा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप मेरे सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।